अरे सावी, सवेरे सवेरे यहाँ कैसे? सर जल्दी चलिए ना, वोट करने चल रहे हैं भाजपा को। अरे भाई मुझे तैयार तो हो जाने दो। नहीं सर, आपने कहा था ना प्रदेश पहले, और एमपी को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना भला, तो अभी चलिए वोट करने। अरे ये सब? जी सर, बहुत कोशिशों के बाद प्रदेश आगे बढ़ा है। अब कोई हमारी प्रगति रोके ऐसा होने नहीं देना। हम सब मिलके भाजपा को वोट करेंगे। सुझाव तो दे दिया, अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। अच्छा हुआ तुम घर ही आ गए, आज तुम्हारे साथ ही मतदान करेंगे। समृद्ध एमपी बनाने के लिए भाजपा को जिताना है ना सर, इसलिए सब मिलके वोट देंगे भाजपा को। अरे पर इतने सारे ऑटो वाले कहाँ से आ गए? ये सभी तो भाजपा को वोट देने जा रहे हैं ना सर। इतने सारे? प्रदेश भी तो इन्हीं का है ना, भाजपा की सरकार बनेगी तो फायदा भी तो सभी का होगा। किसी दूसरी पार्टी ने कभी इतना सोचा है हमारे बारे में? इसलिए सब मिलके वोट देंगे भाजपा को। सुझाव तो दे चुके, अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। इतने सारे? तो ऐसा कर तू घर पे आ जा। हाँ, हम लोग 7 बजे चलते। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? वोट डालने भाजपा को। मनु लेने आ रहा है। लेने आ रहा है? क्यों? उसने समृद्ध एमपी के लिए आइडिया दिया था, प्रदेश के किसानों के फायदे के लिए, और अब बोल रहा है कि भाजपा को जिताना, ताकि उसके आइडिया से सारे किसानों का भला हो। पर सिर्फ अपने वोट से क्या होगा? जरा उधर देखो। भाजपा है तो ही प्रदेश की प्रगति है। सुझाव तो दे दिया, अब फैसले का वक्त है। सब मिलकर देंगे वोट भाजपा को। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। अरे राधा, सुबह सुबह आइडिया तो दिलवा दिया भाजपा को, अब वोट डालने भी तो जाना है ना। तू जा, मैं सबका चाय नाश्ता बना कर आती हूँ। तुम लोगों ने इतना अच्छा आइडिया भाजपा को दिया है, तो जाओ और समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को वोट भी करो। ठीक है बाबूजी। राधा तू रुक, अपन बाबूजी का नाश्ता बना कर चलते हैं। अरे मेरा नाश्ता बाद में, भाजपा को वोट पहले। चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। अरे वाह, हम सब मिलकर साथ में भाजपा को वोट करेंगे। सुझाव तो दे दिया, लेकिन अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री के लिए रेस मची हुई है। कांग्रेस ने हमेशा ही जनता की आंखों में धूल झोंककर झूठे वादे करके राज किया है, मगर अब जनता सावधान हो चुकी है। राजनाथ रीवा के गुड़ में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। गुड़ विधानसभा क्षेत्र के गुड़वा गांव में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी प्रत्याशी नागेंद्र सिंह के लिए जनता से सहयोग की अपील कर रहे हैं। इस दौरान केंद्र सरकार व प्रदेश की शिवराज सरकार का बखान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के द्वारा हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस पार्टी में मुख्यमंत्री के लिए रेस मची हुई है। बहनों भाइयों, मैं 2003 में आया था तो मैं रीवा रुका था। रीवा रुका था, रीवा जो है रात को बिजली चली गई, एक होटल में मैं रुका था, तो मैं बहुत परेशान, गर्मी का दिन। मैंने पूछा कि भैया ये बताओ कि बिजली आएगी कि नहीं। मैं घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, भाई घंटे भर में आ जाएगी, दो घंटे में। लोग कह रहे साहब 7 दिन से बिजली नहीं आ रही। मैंने कहा कहाँ हुआ? कांग्रेस की हुकूमत है, अंधेरा युग है। और आज अभी मैं एक हेलीकॉप्टर से आ रहा था, मैंने देखा कि सोलर प्लांट, सौर ऊर्जा, करिश्माई काम हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा कांग्रेस ने हमेशा से ही जनता की आंखों में धूल झोंककर और झूठे वादे करके राज किया है, मगर अब जनता सावधान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना तथा स्वच्छ भारत अभियान जैसी दूरगामी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अरे सावी, सवेरे सवेरे यहाँ कैसे? सर जल्दी चलिए ना, वोट करने चल रहे हैं भाजपा को। अरे भाई मुझे तैयार तो हो जाने दो। नहीं सर, आपने कहा था ना प्रदेश पहले, और एमपी को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना भला, तो अभी चलिए वोट करने। अरे ये सब? जी सर, बहुत कोशिशों के बाद प्रदेश आगे बढ़ा है, अब कोई हमारी प्रगति रोके ऐसा होने नहीं देना। हम सब मिलके भाजपा को वोट करेंगे। सुझाव तो दे दिया, अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। अच्छा हुआ तुम घर ही आ गए, आज तुम्हारे साथ ही मतदान करेंगे। समृद्ध एमपी बनाने के लिए भाजपा को जिताना है ना सर, इसलिए सब मिलके वोट देंगे भाजपा को। अरे पर इतने सारे ऑटो वाले कहां से आ गए? ये सब भी तो भाजपा को वोट देने जा रहे हैं ना सर। इतने सारे? प्रदेश भी तो इन्हीं का है ना, भाजपा की सरकार बनेगी तो फायदा भी तो सभी का होगा। किसी दूसरी पार्टी ने कभी इतना सोचा है हमारे बारे में? इसलिए सब मिलके वोट देंगे भाजपा को। सुझाव तो दे चुके, अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। इतने सारे? तो ऐसा कर, तू घर पे आ जा। हाँ, हम लोग साथ में चलते, ठीक है? कहाँ जा रहे हैं? वोट डालने भाजपा को। मनु लेने आ रहा है। लेने आ रहा है? क्यों? उसने समृद्ध एमपी के लिए आइडिया दिया था, प्रदेश के किसानों के फायदे के लिए, और अब बोल रहा है कि भाजपा को जिताना, ताकि उसके आइडिया से सारे किसानों का भला हो। पर सिर्फ अपने वोट से क्या होगा? जरा उधर देखो। भाजपा है तो ही प्रदेश की प्रगति है। सुझाव तो दे दिया, अब फैसले का वक्त है। सब मिलकर देंगे वोट भाजपा को। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। अरे राधा, सुबह सुबह आइडिया तो दिलवा दिया भाजपा को, अब वोट डालने भी तो जाना है ना। तू जा, मैं सबका चाय नाश्ता बना कर आती हूँ। तुम लोगों ने इतना अच्छा आइडिया भाजपा को दिया है, तो जाओ और समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को वोट भी करो। ठीक है बाबूजी, राधा तू रुक, अपन बाबूजी का नाश्ता बनाकर चलते हैं। अरे मेरा नाश्ता बाद में, भाजपा को वोट पहले। चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। अरे वाह, हम सब मिलकर साथ में भाजपा को वोट करेंगे। सुझाव तो दे दिया, लेकिन अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे।